हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी 2018 के क्वेश्चन पेपर से इंटीग्रेशन के जो सम्स आए थे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सम था 2 मार्क्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x + 1 बाई x² dx। बड़ा ही ईजी सम है, बिकॉज आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो x³ / x² क्या होता है, x होता है, 5x² / x² 5 होता है, 4x / x² 4x होगा, और 1x² ये होता है, ठीक है। ये रहा आपका dx। अब ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x² / 2 होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 क्या होगा, 5x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, 1x क्या होता है, log mod x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1x² क्या होगा, देख लो मैं इधर करके दिखा दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1x² dx। इसे आप इंटीग्रेशन ऑफ x^-2 dx लिख सकते हो। अभी x^n के फॉर्म में आ गया, मतलब x^n+1 πn+1, यानी ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो -1x, आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1x² इज -1x। तो ये मेरा आ जाएगा -1x + c, ये मेरा आंसर है। 2 नंबर का सम था, बड़ा ही बेसिक सम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √x dx, ये 4 नंबर का था, सब्स्टिट्यूशन, और फिर ये मुझे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा हमारा। देखिए, मान लो √x को z मान लो, अब डिफ्रेंशिएट करो तो dx ऑफ √x क्या होगा, 1/2 √x dx, यहाँ पे dz आ गया, यानी कि dx = √x dx dz, है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड, इसको ठीक से लिख लेते हैं, dz। अच्छा, अब dx = √x की जगह तो z बैठा सकते हैं हम लोग, dz, ये आ गया आपका। अब सब्स्टिट्यूट करो, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स √x की जगह z और dx की जगह 2z dz, यस नो। अब ये मेरा बाई पार्ट्स हो जाएगा। बाई पार्ट्स क्या था, याद है, आईलेट, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा इनवर्स और सेकेंड फंक्शन होगा एल्जेब्रिक, क्योंकि यहां पे एक इनवर्स है और एक एल्जेब्रिक, ठीक है। अब देखो, हम लोग बाई पार्ट्स करेंगे, 2 तो बाहर है, बाई पार्ट्स क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dx, मतलब यहां पर dz होगा, dz ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखो सही है, यहां पे हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। देखो ऐसा कुछ था, इंटीग्रेशन uv dx, तो क्या होगा, याद करो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर dx, यानी यहां पे ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। तो अब हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिएगा, 2 ये हो गया tan इनवर्स z, इंटीग्रेशन ऑफ z dz का क्या होगा, z dz का होगा, अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा था मैंने कुछ मिस किया है, यहाँ पे dz हम लोग ने मिस किया था, अब सही है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ z dz क्या होगा, z² / 2 माइनस इंटीग्रेशन ddz ऑफ tan इनवर्स z क्या होगा, 1/1 + z² मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ z dz क्या होगा, z² / 2 फिर dz। देखो ध्यान से, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पार्ट तो मेरा आराम से हो गया, तो अगर ब्रैकेट खोलते हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z square
टैन इनवर्स जेड माइनस ये टू बाहर चला गया, वन बाई टू इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई वन प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, ये हो गया। अब इसी हमें सॉल्व करना है इस पार्ट को, ठीक है, बड़ा इजी है। देखिएगा हमारा क्या आया है, अभी हमारा आया है जेड स्क्वायर टैन इनवर्स जेड माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन, देख लेते हैं जेड स्क्वायर टैन इनवर्स जेड माइनस हाफ इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई वन प्लस जेड स्क्वायर बाई वन प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। अब सिर्फ इस पार्ट को देखो, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया जेड स्क्वायर टैन इनवर्स जेड माइनस हाफ, क्या मैं इसे वन प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हूं? एडजस्टमेंट क्या है, प्लस वन माइनस वन दिया है, ठीक है, तो इससे मेरा फायदा क्या होगा, देखो ये हो गया जेड स्क्वायर टैन इनवर्स जेड माइनस हाफ, यहां से देखिएगा वन प्लस जेड स्क्वायर बाई वन प्लस जेड स्क्वायर वन होता है माइनस वन बाई वन प्लस जेड स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सॉल्व हो जाएगा आराम से, जेड स्क्वायर टैन इनवर्स जेड माइनस हाफ, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी जेड जेड होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, मतलब टैन इनवर्स जेड, सही है, प्लस सी, ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया है। अब देख लो ध्यान से, हमें वैल्यू बैठा देना है आपको जेड का, जेड था रूट एक्स, याद रखिएगा जेड हम लोगों ने क्या लिया था, रूट एक्स, तो वैल्यू बैठा दो तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स रूट एक्स माइनस हाफ, जेड की जगह रूट एक्स माइनस टैन इनवर्स जेड की जगह रूट एक्स प्लस सी, सही है, यस ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ठीक है। चल अब देखते हैं नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या दिया है इन लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो आप, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मान लो जेड मानते हो, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको टू एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी जेड होगा, मतलब अगर मेरा न्यूमरेटर टू एक्स माइनस वन फॉर्म में अगर हम लिख पा रहे हैं तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए। अच्छा तो इसे मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और टू से डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना ऐसे, इससे मेरा क्या होगा, देखो ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस टू, अच्छा माइनस टू को मैं माइनस वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सेपरेट करके लिखो, मतलब दिस बाय द डिनोमिनेटर एंड दिस बाय डिनोमिनेटर, मतलब ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस वन बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स माइनस फिर से हाफ डी एक्स बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इससे मेरा फायदा क्या हो, जो पहला पार्ट है आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अगर आप जेड लेते हो तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा और नीचे आपका रूट जेड हो जाएगा माइनस हाफ डी एक्स बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो यहां पे सेकेंड वाला, उसे मैं परफेक्ट स्क्वायर में करता हूं क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स लिख सकता हूं, देख लो बात तो वही होगा, फिर सॉरी यहां पे टू देना होगा, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू लिख सकता हूं, बिल्कुल यहां पे प्लस वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर दे सकता हूं क्योंकि ये तीन मिलके आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस हाफ
होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो है आपका ये चेंज हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है चल परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अच्छा अब ये हो गया आपका हाफ इंटीग्रेशन रूट जेड, मतलब जेड टू द पावर माइनस हाफ डी जेड, देख लो, और यहां पे अच्छा इंटीग्रेशन साइन मैंने दे दिया था, हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, ये हो गया सही है। अभी आपको एक फॉर्मूला था हमारा, इंटीग्रेशन डीएक्स बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है दिस इज नथिंग बट लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका होता है। तो ये वाला जो है जो सेकेंड पार्ट है वो इसी फॉर्म में आ रहा है मेरा, समझ लो। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा पहले z वा माइनस हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, बहुत इजी है, हाफ z टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन तो पता चल गया हमें, लॉग मॉड कैपिटल एक्स, मतलब ये मेरा है एक्स माइनस हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, सही है देखो प्लस सी, ये सही किया हम लोगों ने, बिल्कुल सही है यहां तक। अच्छा इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये हो गया हाफ और ये हो गया जेड बाय हाफ, मतलब ऊपर रूट जेड हो गया, देखो ध्यान से, और नीचे में भी हाफ है माइनस हाफ लॉग मॉड एक्स माइनस हाफ प्लस। अच्छा इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वापस आपको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही मिलेगा, मतलब इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ये टू टू कैंसिल। अच्छा रूट जेड तो हम लोग इसे हम रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बैठा सकते हैं, माइनस हाफ लॉग मॉड एक्स माइनस हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम था, यू नो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चल एक और सम आया था 2018 में, चलिए अब नंबर फोर देख लेते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। चलो इसे हम आई अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी क्या था याद है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैं जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हो जाएगा मेरा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स बाई वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, सही है यस नो। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आई हो जाएगा मेरा जीरो टू पाई बाय टू, अच्छा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है साइन होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे में वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और ये साइन एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये आपका नंबर वन है, ये आपका नंबर टू है, इन दोनों को थोड़ा ऐड कर दो, तो टू आई क्या होगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू, डिनोमिनेटर में तो सेम ही है
ठीक है, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इसे हम टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स साइन एक्स कर सकते हैं। अभी एक स्पेशल टाइप का सम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इससे मेरा फायदा क्या होगा, ये हो गया जीरो टू पाई बाई टू, ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, अच्छा कॉस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक्स स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, एक कॉस और सेक कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स होता है वन बाई कॉस एक्स, मतलब प्लस टैन एक्स बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है अभी देखते हैं, हमारा आया है टू आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स, यही आया है मेरा जीरो टू पाई बाई टू। अच्छा इससे मैं क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह मैं टैन स्क्वायर एक्स प्लस वन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब थोड़ा आप क्या करो, टैन एक्स को जेड ले लो, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। अगर आप टैन एक्स को जेड लोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड होगा, तो ये हो जाएगा टू आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाई टू, ध्यान से ये हो जाएगा डी जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस जेड। देख लो, अब नीचे वाला को परफेक्ट स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इसको आप जेड स्क्वायर प्लस, अच्छा ये लिमिट भी चेंज कर दो, तो लिमिट चेंज कर देते हैं, यहां से देखो टैन एक्स इक्वल टू जेड, यानी कि जब एक्स जीरो होगा तो जेड भी जीरो होगा, टैन एक्स इक्वल टू जेड, अगर एक्स होगा पाई बाई टू तो जेड आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन को हम लोग जेड स्क्वायर प्लस हाफ इंटू, वेट हाफ नहीं, टू इंटू टू ए बी फॉर्म में लिखेंगे, टू इंटू जेड इंटू वन बाई टू लिख सकते हैं, तो प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, प्लस वन है, इससे मेरा फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला तीन टर्म है मैंने प्लस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर एडजस्टमेंट दिया है, और जेड को मैंने टू इंटू जेड इंटू हाफ लिखा है, इससे फायदा क्या है, ये जो है आपका वो जेड प्लस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे माइनस वन बाई फोर प्लस वन, मतलब प्लस थ्री बाई फोर हो जाएगा, मतलब ये हम लोग जेड प्लस हाफ स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये टू आई क्या हो गया मेरा, देखो जीरो टू अनडिफाइंड डी जेड, अब इसके जगह हम जेड प्लस हाफ स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्यों, क्योंकि याद करो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, सेम यूज करेंगे हम लोग, देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, फॉर्मूला से रिलेट करिए, लिमिट क्या है आपका, लिमिट है आपका जीरो टू अनडिफाइंड, अच्छा ये टू ऊपर चला जाएगा ये वाला टू, तो हो जाएगा टू आई इक्वल्स टू टू बाई रूट थ्री, और अंदर क्या है टैन इनवर्स, थोड़ा ऐसे ले लो तो टू जेड प्लस वन बाई रूट थ्री आएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया जीरो टू अनडिफाइंड। चलो वैल्यू पुट करते रहे एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा टू आई इज इक्वल टू, टू टू कैंसिल कर दो, ठीक है, तो आई इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री टैन इनवर्स, टैन इनवर्स अनडिफाइंड माइनस टैन इनवर्स
जीरो पुट करोगे तो 1/√3 होगा, है कि नहीं। अब तो वैल्यू हमें पता है 1/√3, ये हो गया आपका पाई बाई टू अनडिफाइंड है, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस ये हो गया पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो आई क्या होगा 1/√3 और ये 3π - π मतलब ये हो जाएगा 2π/6 मतलब π/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था लास्ट सम हमारा 2018 के क्वेश्चन पेपर से बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी ईयर का हम लोग सम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।